नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे प्रदूषण से बीमार लेकिन कौन इसका जिम्मेदार की, तो देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली और उसके आसपास के शहर इन दिनों वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से लोग गंभीर रूप से प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। ये प्रदूषित हवा सेहत और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रही है। सरकार प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रयास करते आ रही है और पर ऐसे में आम आदमी प्रदूषित हवा से कैसे अपना बचाव करे, क्या क्या एहतियात बरते, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसी पर आज हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में और जानेंगे कि क्या कुछ एहतियात जो है वो बरतने चाहिए, क्योंकि प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है लेकिन इसकी उत्पत्ति के क्या कारण, इसकी उत्पत्ति से क्या वजह, इसकी उत्पत्ति की वजह से क्या प्रभाव जो है वो आम जिंदगी पर पड़ता है, किस तरीके से इसका बचाव करें, ये बहुत जरूरी हो गया है आजकल में जब AQI लेवल जो है, खासकर अगर हम राजधानी दिल्ली और समूचे उत्तर भारत की यहाँ पर बात कर ली जाए तो हवा का जो स्तर है वो इतना ज्यादा गिर चुका है कि आप ये समझिए कि आप खुली हवा में सांस लेना तो दूर, आप बाहर निकलने में भी आपको 10 बार सोचना होगा। प्रदूषण तो बहुत ज्यादा है, सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है आंखों में, तो जब हमें इतना जलन हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो बच्चों और बूढ़ों को तो बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी। इसमें सरकार को स्टैंड लेना चाहिए कि इतना प्रदूषण क्यों है। परेशानी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और आंखों में जलन होती है। बुरा हाल है जी प्रदूषण से, अभी सांसों में तकलीफ हो रही है, चलने में आंखों में जलन हो रही है। हमारा ये हाल है तो बड़े बुजुर्ग का क्या हाल हो रहा होगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। के बाद से हमेशा विंटर सीजन में हम देखते हैं कि काफ़ी स्मॉग बढ़ जाता है यहाँ पे। क्रूशल ये है कि अभी अभी हम कोविड से निकले हैं, व्हीक्यूलर पोल्यूशन भी बढ़ ही रहा है। थैंकफुली हम EVs की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, बट फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पीपल हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। दिवाली वगैरह में पटाखे वगैरह फोड़े हैं तो इससे जो वायु है वो पॉल्यूटेड हो चुकी है और हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब हम घर जाते हैं तो हमारा ये पूरा गला वगैरह ये सब जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। पॉल्यूशन को लेके मेरे को आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है बिल्कुल, और छाती में भी सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है पॉल्यूशन को लेकर। चलिए तो अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि प्रदूषण से क्या कुछ चीजें वो इफेक्ट होती हैं, किस तरीके से वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, क्या कुछ उसके उपाय, तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो प्रदूषण से रोजाना 20 सिगरेट जितना धुआं निकलता है, अब आप समझ सकते हैं कि आपके फेफड़ों पर क्या असर होगा। रोजाना एक सिगरेट जिंदगी के 14 मिनट जो है वो कम कर देती है। तो रोजाना 20 सिगरेट जिंदगी के 10 साल कम कर देती है। चेन स्मोकर रोजाना 15 से 20 सिगरेट जो है उसका इंटेक करते हैं। तो पराली सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह, जो कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है, पराली के धुएं की हिस्सेदारी 18 से 20% है हवा में घुले जहर के लिए। पराली जलाने के मामलों में 33.5% की वृद्धि अब तक हुई है। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 33.5% की वृद्धि हुई है। पराली से सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो बना हुआ है। पराली के धुएं की हिस्सेदारी 18 से 20% है। पराली जलाने के मामलों में 33.5% की वृद्धि हुई है। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 33.5% की वृद्धि हुई है। तो चलिए सुबह शाम जरूरत पड़ने पर या कम से कम बाहर निकलें, ये बचाव के लिए आपको बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना बाहर निकलने पर N95 या P100 मास्क पहने बहुत जरूरी है। बच्चों को बुजुर्गों को पहनाएं, बहुत अधिक शारीरिक श्रम करने से बचें। जॉगिंग के बजाय हल्की वॉक पर जरूर जाएं। सांस लेने में दिक्कत हो तो आराम करें, डॉक्टर से संपर्क करें। घर की खिड़कियां और AC बंद रखें, ये बहुत जरूरी होता है। घर में मोमबत्ती या लकड़ी जलाने से बचें क्योंकि इससे धुआं होता है जो कि प्रदूषण के रूप
बढ़ सकता है। वैक्यूम क्लीनर के बजाय गीले पोछे से आप घर की सफाई करें तो वायु प्रदूषण जिनका असर बच्चे, नवजात, बुजुर्ग, गर्भवती, युवाओं पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये स्थिति है, समस्या विकट हो चुकी है। ये बात हर किसी को समझनी होगी। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है, जिसे सहने के लिए अधिकांश जो जनता है वो मजबूर है, ये मजबूरी है। तो 0 से 100 तक सुरक्षित माना जाता है, 100 से 200 तक AQI मध्यम माना जाता है, 200 से 300 तक खराब, 300 से 400 तक बेहद खराब। और चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि बढ़ता प्रदूषण शरीर के लिए, इंसानी शरीर के लिए कितना ज्यादा घातक हो सकता है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, किन चीजों से आपको दूर रहना है, और इस बढ़ते प्रदूषण में वो क्या क्या बातें हैं जो बहुत जरूरी हो जाती है किसी के लिए भी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं DMA वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश त्यागी जी। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। डॉक्टर सतीश त्यागी जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति बनी हुई है वायु प्रदूषण की, वो कितनी ज्यादा घातक साबित हो सकती है अगर इसमें वक्त रहते, अभी भी वक्त है लेकिन अगर वक्त रहते इस पर काम नहीं किया गया, सही चीजें नहीं अपनाई गई, तो ये बहुत ज्यादा आगे घातक हो सकता है इंसानी शरीर के लिए। चलिए डॉक्टर सतीश से सर संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी कारणों की वजह से उनसे संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जैसे डॉक्टर सतीश यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, किस तरीके की स्थिति जो है उससे दो चार होना पड़ रहा है और आपको कैसे जो बचाव है वो यहाँ पर करना है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको आपको विशेष तौर पर, इन बातों का विशेष तौर पर जो ध्यान है वो रखना है। घर की खिड़कियां और AC बंद रखें, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। घर में मोमबत्ती या लकड़ी जलाने से आपको बचना है, तो इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये चीजें जो है आपको ये समझ कर यहां पर चलनी है कि इन बातों का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कत जो है वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ सकती है। और डॉक्टर सतीश से हम जानेंगे, उनसे थोड़ी देर में फिर एक बार हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनसे कि अगर वायु प्रदूषण से बचना है और अभी जो ताजा स्थिति बनी हुई है उससे कैसे यहां पर निपटा जाए, ये तमाम चीजें हैं, ये यहां पर इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। तो हवा में 20 सिगरेट जितना धुआं जो है वो बना हुआ है और रोजाना 20 सिगरेट जिंदगी के 10 साल जो है वो यहां पर कम कर देता है। चेन स्मोकर रोजाना 15 से 20 जो सिगरेट है वो टेक करते हैं। पराली से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, पराली के धुएं से जो हिस्सेदारी है वो 18 से 20% की है। तो फिलहाल ये स्थिति अगर बनी रहती है तो इंसानी शरीर पर इसका जो प्रभाव है वो बहुत पड़ता है। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अगर देखा जाए यहां पर तो स्थिति जो है वो काफी ज्यादा विकट हो जाती है और जॉगिंग के बजाय हल्की वॉक पर जाए ये सुनिश्चित यहां पर करें। कैसे बचाव करना है इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बढ़ता प्रदूषण है वो आम जनजीवन को इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और खासकर दिल्ली NCR की अगर बात की जाए, खासकर नोएडा या गुरुग्राम की बात की जाए, फरीदाबाद की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर
जो AQI लेवल है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बेहद गंभीर की श्रेणी में यहाँ पर जा चुका है। और वायु प्रदूषण की वजह से किस तरीके का जो प्रभाव है वो पड़ता है, तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो कि बहुत कुछ यहां पर बयां कर रही हैं। तो फिलहाल हम एक बार फिर यहां पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सतीश हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर सतीश, क्योंकि अगर बचाव की यहां पर बात की जाए तो किन किन बचाव की अगर तरीके हैं जो बढ़ते प्रदूषण में किसी भी आम जनजीवन में अपनाने चाहिए, खासकर वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों खासकर? देखिए, इसमें जो बचाव के तरीके हैं, एक तो आप व्यक्तिगत तौर पे जो एहतियात ले सकते हैं वो तरीके हैं, और दूसरा जो सबके लिए जो सरकार कदम उठा सकती है या कुछ ऐसी प्लानिंग की जा सकती है जिससे कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर कम हो, ये दो लेवल पे हमें काम करना होगा। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप की बात है तो जो एयर पोल्यूशन या हवा की जो क्वालिटी है वो जब खराब हो जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो हमारे फेफड़ों पे पड़ता है, हमारे जो सांस का जो तंत्र है जी, श्वास तंत्र है, उसके ऊपर उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। खास तौर से जो अस्थमा के मरीज हैं, जिन्हें दमा की शिकायत है, या जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये खतरे वाली बात हो जाती है, क्योंकि एक सामान्य एयर क्वालिटी की बजाय जब वो बहुत खराब क्वालिटी ऑफ एयर में रहते हैं तो उनकी जो तकलीफ है वो अचानक से भयानक रूप ले सकती है, खराब रूप ले सकती है, उनको सांस में दिक्कत हो सकती है और कई बार तो उनको अस्पताल में जाने तक की जरूरत पड़ जाती है, इतनी सांस की परेशानी बन जाती है। और खासतौर से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जब उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा 2.5 की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ये जो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जो शायद नजर नहीं आते, लेकिन जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, हवा में देखते हैं, तो उसकी जो पारदर्शिता है, उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम होने लगती है, एक धुंधला सा गुबार सा लगता है जिसे हम सोचते हैं धुंध है, लेकिन एक्चुअली में वो जो पोल्यूशन है, स्मोग है, धुआं है, और उसमें और बहुत सारे पोल्यूएंट है, सस्पेंडेड पार्टिकल के अलावा गैसेस हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर होने की वजह से आसमान में ऊपर नहीं जा पाती, और एक हमारे चारों तरफ एक ऐसी परत बना देते हैं जिसमें कि हम समझिए एक जहर बार बार अंदर इनहेल कर रहे हैं, सांस के साथ हमारे शरीर में जहर जा रहा है, और जो हमारे फेफड़ों को और हमारे जो बाकी जो तंत्र हैं, जो और सिस्टम है बॉडी के, उन सबको इफेक्ट कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल आपने जाना है यहाँ पर कि किस तरीके से प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है इंसानी शरीर के लिए। ये चर्चा आगे भी हम बनाए रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। सतीश, क्योंकि बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है कि बच्चों और बुजुर्गों का जो स्वास्थ्य है उसका किस तरीके से ध्यान रखा जाए। हालांकि पहले ये होता था कि अब कहते थे कि सुबह की जो जॉगिंग है वो बहुत जरूरी होती है, दरवाजे खिड़कियां खुले रखो तो उसे स्वच्छ हवा जो है उससे इंसानी शरीर को फायदा होता है, लेकिन आज के समय में शायद ये परिभाषा गलत हो गई है। देखिए, जैसे कि बाहर हवा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, अलग अलग तरह की गैसेस हैं, जो एक गैस चैम्बर में हम लोग रह रहे हैं, तो इस स्थिति में यदि हम घर से बाहर निकलते हैं, खास तौर से जब सूर्य उदय नहीं हुआ है, रोशनी से पहले कई बार होता है ना कि सुबह आप जल्दी उठ के और शहर के लिए जा रहे हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। खासतौर से जिनके जो सांस की तकलीफ जिन लोगों को है उन्हें तो खासतौर से कि सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय से पहले बाहर निकल के नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जहां ये लग रहा है कि भाई अभी बाहर जाना अवॉइड किया जा सकता है इस तरह के मौसम में, बाहर की जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आप बाहर एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, चाहे बाहर सैर के लिए जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वो सब चीजें हमें अभी इस समय पे जब जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज्यादा हाई है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। घर पे कुछ एयर फिल्टर्स वगैरह, एयर प्योरीफायर्स वगैरह लगा के जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको कम किया जा सकता है, और ये सब जो भी हम एहतियात लेंगे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और इस
इस समय पे जब बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब है वो हमें उस पीरियड में स्वस्थ रहने में एक मददगार साबित होगी। जी डॉक्टर सतीश, क्योंकि कोरोना के बाद तो खासकर मास्क हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ऐसे इंडल्ज हो गया है जैसे वो हमारे जीवन का पार्ट हो, लेकिन अब बढ़ता प्रदूषण, हालांकि कोरोना से पहले भी एक वक्त था जब प्रदूषण अचानक से बढ़ा था, उस दौरान हमने मास्क लगाए थे, बीच में कोरोना आया तब और वो स्थिति विकट हो गई, लेकिन अब कोरोना अगर खत्म हुआ है लेकिन प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा है, कितना जरूरी है मास्क यहाँ पर लगाना? नहीं, मास्क अभी हम नहीं छोड़ सकते, ये जो मास्क है बीमारी के साथ साथ हमें प्रदूषण में से भी मदद करेगा। जी। जो पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हवा में है जो कि अंदर फेफड़ों में जाके बैठ जाते हैं और हमें नुकसान करते हैं, एटलीस्ट वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। और आप देखिए, अगर आप मास्क लगा के रखते हैं, व्हाइट कलर का मास्क है, तो शाम तक आपको लगेगा कि वो पूरा का पूरा मास्क जो है वो ब्लैक हो गया है। बिल्कुल, इतनी ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन है, वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि ये सब अगर आप मास्क नहीं लगाते तो सब ये इनहेल होके आपके फेफड़ों में जाता। तो खास तौर से वो एरिया जहाँ पे ये प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई है, खास तौर से जैसे कि आनंद विहार वाला एरिया है या जहांगीरपुरी के आसपास का एरिया है जहाँ पे कि मैक्सिमम पोल्यूशन आज की तारीख में है, और वैसे तो पूरी दिल्ली में ही जो पोल्यूशन का स्तर है बहुत ज्यादा हाई है, मास्क लगाना बेहतर होगा ताकि अपने फेफड़ों की आप उसको जो डैमेज है उसको आप कम कर सके, उसको रोक सके। बिल्कुल डॉक्टर सतीश, खासकर जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जिन्हें सांस संबंधी दिक्कतें हैं, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो या मिडिल एज के लोग हों, उन्हें इस दौरान इन दिनों में खासकर कितनी ज्यादा ध्यान अपने शरीर का रखना चाहिए? देखिए, उनके लिए जो एहतियात है वो और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सबसे पहले तो जो अपनी वो रेगुलर जो दवाइयां वगैरह लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से लेते रहे, अगर उनको डॉक्टर ने नेबुलाइजेशन वगैरह एडवाइस किया हुआ है तो वो समय से लेते रहें। दूसरा, वो ये अवॉइड करें कि घर से बाहर निकले जब खास तौर से जो सूर्योदय से पहले या जब आपको लग रहा है कि हवा में बहुत ज्यादा धुआं है और बहुत ज्यादा धुंध है तो उस समय पे आप बाहर ना निकले, और आप इस चीज को अवॉइड करके कम से कम जो डैमेज है या जो आपको नुकसान हो सकता है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी हवा तो उसमें तो रहना ही है आपको, लेकिन उसका जो जितना भी आप उसका एक्सपोजर अपने लिए कम करें पोल्यूशन का, वो इन इस तरह के मरीजों के लिए बहुत कहना चाहिए कि उनको हेल्पफुल हो सकता है ना, उनको मदद कर सकता है अपने आप को ठीक रखने में, स्वस्थ रखने में। जी डॉक्टर सतीश, क्योंकि इन दिनों खासकर जब मौसम चेंज होता है तो वायरल का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इन दिनों बहुत लोगों को खांसी जुकाम ये चीजें हैं, हालांकि अभी सर्दियां पूरी तरीके से नहीं आई हैं लेकिन वायरल फीवर जो है लोगों को बहुत हो रहा है, ऊपर से सांस लेने की दिक्कत इनमें बहुत आम हो जाती है, अब ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए अगर वो इस स्थिति से जूझ रहे हैं खासकर, और प्रदूषण के दौरान तो सांस लेने में और दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, ऐसा है जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तो हमारे जो शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत है वो भी कम हो जाती है और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, खास तौर से जो रेस्पिरेटरी या श्वास की जो बीमारियां हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, इवन फेफड़ों में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इस पोल्यूशन के कारण। तो इस ऐसी स्थिति में आपकी जो कहना चाहिए कि इन्फेक्शन होने की जो परसेंटेज है जो ज्यादा होती है, तो जरा सा भी अगर आपको लग रहा है कि आपके जैसे इन्फेक्शन के कुछ भी आपको लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेके उसको दवाई शुरू करें ताकि वो ज्यादा ना बढ़ने पाए। और जो सांस की जो तकलीफें होती हैं जिसमें कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि जैसे दम घुटने जैसी स्थिति बन रही है या नाक बंद हो रही है या नाक से पानी बह रहा है या खांसी हो रही है, तो उसका एक कारण ये भी होता है जो ये पोल्यूटेंट या कहना चाहिए जो इसमें घुला हुआ है हवा में, वो एलर्जेंस होते हैं, वो आपको एलर्जी करते हैं आपके सिस्टम में, और उस एलर्जी के कारण भी आपको खांसी और ये नाक बहना या गले में खराश रहना, और गले के अलावा कई बार आंखों में भी ये बहुत जलन करती है, क्योंकि कुछ गैसेज ऐसी होती है जो कंजक्टिवा आपकी जो आंख के अंदर की झिल्ली होती है उसको इरिटेट करती है और वहां पे एज ए एलर्जिन का काम करती है। तो इन सब स्थिति से बचने के लिए बेस्ट पॉसिबल यही है
कि आप इनके एक्सपोजर से बचें, और उसका वही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो संभव हो अपने आप को पोल्यूशन से दूर रखें। अच्छा डॉक्टर सतीश, क्योंकि ये तो बात बच्चों की भी हो गई, बुजुर्गों की भी हो गई, लेकिन ऐसे लोग चूंकि काफी ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं, इन द केस ऑफ इन द सीन ऑफ जो स्मोकिंग करते हैं, खासकर जो लोग जो बहुत चेन स्मोकर हैं और अगर उन्हें सांस संबंधी बीमारियां भी हैं, कितना ज्यादा खतरनाक उनके लिए ऐसे दौरान में हो सकता है? देखिए, जो लोग स्मोकिंग काफी मात्रा में करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनके ऑलरेडी जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वास नली और फेफड़े हैं, वो किसी ना किसी हद तक वो तकलीफ में होते हैं या उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ डैमेज हो रखा होता है, और उसकी वजह से उनकी जो प्रोननेस है, उनके जो इस पोल्यूशन से जो उनको नुकसान होने की जो कहना चाहिए जो नुकसान हो सकता है, वो ऐसे लोगों में ज्यादा नुकसान हो सकता है, और उनके बीमार पड़ने की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होती है बनिस्पत इसके कि जो स्मोक वगैरह नहीं करते, क्योंकि उनका सिस्टम एटलीस्ट क्रॉनिक डैमेज से नहीं है। अब वो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर इतना पोल्यूशन है, 20 सिगरेट तो एनवायरमेंट ही पिला रहा है, अगर मैं 2 सिगरेट पी भी लूंगा तो क्या नुकसान है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम ऑलरेडी कमजोर है, आप इतने साल से सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम का इम्यूनिटी भी खराब है और वो ऑलरेडी डैमेज्ड है। एक कमजोर कपड़े पे थोड़ा सा भी दबाव पड़ेगा तो फट जाएगा, वही स्थिति आपकी है, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी डैमेज्ड है और उसमें आप ऊपर से इस पोल्यूशन का भार सहने के साथ साथ 5-7 सिगरेट भी पियेंगे या ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डैमेज वाली होगी बनिस्पत इसके कि जो लोग स्मोकिंग और ये सब नहीं करते। जी डॉक्टर सतीश, क्योंकि बात अब अगर न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी की जाए, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ज्यादा वीक होता है, और खासकर जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके लिए किस तरीके से जो एहतियात है उन्हें बरतना चाहिए? देखिए, इसमें जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनका सिस्टम जो कहते हैं ना, बच्चा बहुत फूल की तरह से नाजुक है, उसका जो जो उसकी जो बॉडी की जो पावर है वो बहुत कम है ना, और उसमें अगर हम उसको किसी भी तरीके के पोल्यूटन में बीच में रखते हैं, खराब एयर क्वालिटी के बीच में उस बच्चे को रखते हैं, तो उसका जो एक टेंडर और सेंसिटिव सिस्टम है उसके खराब होने के या उस पे असर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो छोटे बच्चों को खास तौर से, जैसे बड़े हैं और उसी तरीके से जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको तो हमें बहुत एहतियात से रखना है कि उनके ऊपर इस पोल्यूशन का कम से कम एक्सपोजर हो। डॉक्टर सतीश, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात बचाव की भी यहाँ पर करें, और कहा जाता है कि सांस से जुड़ी जो संबंधित बीमारियां होती हैं वो आगे चलकर बहुत घातक होती है, और अगर कोई भी ऐसे इस तरीके की साइंस अभी अगर मिलते हैं तो फौरन डॉक्टर से इसका संपर्क करना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों से जुड़ी जो तमाम बीमारियां होती हैं वो दिक्कत कर सकती है। तो अगर किसी तरीके की दर्द है सीने में या किसी से सांस लेने से संबंधित बीमारी है या ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है किसी के लिए भी? देखिए, जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो ना केवल आपके फेफड़ों को इफेक्ट करता है बट आपके जो हार्ट है उसके ऊपर भी असर डालता है, आपके ब्रेन के ऊपर भी असर डालता है, आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि खाली फेफड़ों पे ही असर इसका आएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए यदि कोई व्यक्ति है, उसको छाती में अगर लग रहा है कि उसको घुटन महसूस हो रही है, या उसको ऐसा लग रहा है कि गले में बहुत ज्यादा इरिटेशन है, या सांस लेने में उसको लग रहा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं ब्रीद करने के लिए, या वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि कुछ मेडिसिन दे के उसको बेटर किया जा सकता है तो करना चाहिए। दूसरा, जो हार्ट के मरीज हैं उनको भी पोल्यूशन से बचना चाहिए। अगर वो पोल्यूटेड एनवायरमेंट में रहेंगे या ज्यादा एक्सपोजर पोल्यूशन का होगा, तो उनके जो हार्ट के कोई भी अगर इवेंट है तो उसके होने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, और ऐसा हो सकता है कि वो अगर इस पोल्यूशन का ना होता तो शायद वो बेहतर रहता, लेकिन इस पोल्यूशन के कारण हो सकता है कि उसको जो है हार्ट अटैक या चेस्ट में कोई
पंपिंग में कुछ उस तरह की परेशानियां बन सकती है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश त्यागी वरिष्ठ।